कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप जन की बात मत सुनना, सिर्फ मन की बात करना। फिर भी खुश थे हम, 500 साल का सपना जो पूरा हो रहा था, हमारे अंदर का हिंदू भी पूरी तरह से जाग गया था। नहीं, ये मेरी पंक्ति नहीं है, ये पंक्तियां हैं एनसीपी के सांसद अमोल कोल्हे की। नमस्कार, स्वागत है आपका oneworldnews.com में, मैं हूँ मीनू वर्मा। महाराष्ट्र से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के सांसद अमोल कोल्हे के संसद में बजट सत्र के दौरान अयोध्या में राम मंदिर अभिषेक समारोह के कथित राजनीतिकरण पर केंद्र सरकार पर कटाक्ष करने वाली कविता सोशल मीडिया पर आजकल खूब वायरल हो गई है। वीडियो को बड़े पैमाने पर राजनेताओं द्वारा भी साझा किया जा रहा है। संसद में गूंजी इस आवाज को आप खुद सुनिए। जब राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? किसी ने कहा बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? किसी ने कहा जब चुनाव ही प्राण हो तो सोचो कौन सी प्रतिष्ठा दांव पर लगी होगी? लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप जन की बात मत सुनना, सिर्फ मन की बात करना। फिर भी खुश थे हम 500 साल का सपना जो पूरा हो रहा था, हमारे अंदर का हिंदू भी पूरी तरह से जाग गया था। तो चल पड़े अयोध्या की ओर रामलल्ला की दर्शन की आस लगाए, चल पड़े अयोध्या की ओर रामलल्ला के दर्शन की आस लगाए। जो सामने नजारा देखा वो देखकर दंग रह गए। वो 3 मंजिले, 400 खंबे, 32 सीढ़ियां, जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम सीढ़ियां चढ़ने लगे, रामलल्ला से क्या गुहार लगाए ये सोचने लगे। पहली सीढ़ी पर याद आई महंगाई, दूसरी पर देश में बढ़ती बेरोजगारी, तीसरी पर पत्रकारिता की चरण चुंबकता, चौथी पर सेंट्रल एजेंसीज की संदिग्ध भूमिका। हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ याद आ रहा था। कहीं 15 लाख का जुमला, कहीं किसानों का आक्रोश था, कहीं महिला कुश्तीगिरों की वेदना थी, कहीं सालाना 2 करोड़ रोजगारों का वादा था, कहीं बढ़ती सांप्रदायिकता थी, तो कहीं चुनिंदा पूंजीपतियों पर मेहरबान हमारी सरकार का चेहरा था। इस वास्तविकता ने झंझोड़ने के बाद भी हम अंधभक्तों की तरह चलते गए। होश तो तब संभाला जब रामलल्ला के दर्शन, हमें नतमस्तक देख रामलल्ला मुस्कुराते हुए बोले, मैं कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा, जितना इस मंदिर में हूँ उतना ही तुम्हारे मन में रहूंगा, लेकिन याद रखना हमेशा मैंने त्रेता युग में रामराज जलाया था, तुम कलयुग में जीते हो जहाँ संविधान ने गणराज जलाया है। धर्म समाज का किनारा जरूर है, लेकिन देश एक बहती धारा है, किनारे को धारा के बीच में लाया तो प्रवाह अड़ जाता है, प्रगति के पथ से हट जाता है, इसलिए धर्म का ठेकेदार नहीं पहरेदार बनना चाहिए। तुम रहो न रहो, वो रहे न रहे, ये देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। Press the bell icon to never miss a video from One World News.